रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अगले दो दिन धरती पर सूरज ढाएगा कहर, बंद हो सकता है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट। अगले आने वाले दो दिन धरती को सूरज के कहर का सामना करना पड़ सकता है। सूरज के इस कहर से धरती पर रहने वाले लोगों के मोबाइल का सिग्नल जाम हो सकता है, जीपीएस में गड़बड़ी आ सकती है और आपका बुद्धू बक्सा यानी टीवी भी ठप पड़ सकता है। सूरज का यह को एक खगोलीय घटना है जिसे सौर तूफान कहा जाता है। खगोल वैज्ञानिकों ने सूरज पर चलने वाले तूफान के अगले 48 घंटों के भीतर धरती से टकराने की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके प्रभाव से उपग्रह आधारित सेवाएं जैसे मोबाइल, केबल नेटवर्क, जीपीएस नेविगेशन आदि प्रभावित हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इस टक्कर से रेडिएशन के खतरे की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत से पहले इसका असर अमेरिका और ब्रिटेन में देखा जा सकता है। सौर तूफान के धरती से टकराने पर कुछ समय के लिए टेक ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। राष्ट्रीय समुद्र और मौसम संगठन ने कहा है कि जब यह तूफान आएगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में तेज रोशनी नजर आएगी। संगठन ने इसे हल्क सौर तूफान बताया है। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन फोरकास्ट का कहना है कि यह तूफान सोमवार को आ सकता है और इस दौरान काफी तेज और हवाएं चलेंगी। नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें गैस के इस तूफान को साफ साफ देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरज में एक कोरोनल होल खुलेगा जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। इसमें कॉस्मिक कण भी होंगे। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर डिस्क के लगभग आधे हिस्से को काटते हुए एक बड़ा सा छेद बनेगा जिससे सूरज से धरती की ओर बेहद गर्म हवा का तूफान आएगा।